से टीएमसी के प्रत्याशी मुनमुन सेन सलामपुर में प्रचार के लिए पहुंचे। आसनसोल लोकसभा केंद्र से टीएमसी प्रत्याशी मुनमुन सेन प्रचार के लिए सहारनपुर पहुंची। स्थानीय विधायक विधान उपाध्याय सहित तमाम टीएमसी नेता और कर्मी भी यहां उपस्थित थे। मुनमुन सेन ने अपने भाषण में सहारनपुर की जनता से टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। खास बात उल्टी। कांग्रेस द्वारा विश्वरूप मंडल को प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी का एक कार्यकर्ता खास नाराज है। कांग्रेस द्वारा आसनसोल लोकसभा केंद्र से विश्वरूप मंडल को प्रत्याशी बनाए जाने से कांग्रेस के एक धड़े में खासी नाराजगी व्याप्त हो गई है। বলছি আমরা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ সমবেত হয়েছি। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে 17তম লোকসভা নির্বাচন এবং আসানসোলে তার নির্ধারিত তারিখ। বিক্ষুব্ধ ধড়েনে এক সংবাদদাতা সম্মেলন কিয়া। অশোক রায় সহিত कई विक्षुब्ध नेताओं ने विश्वरूप मंडल को प्रत्याशी बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जताई। खास बात आसनसोल। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुवार को आसनसोल के एक निजी होटल में मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत नई कमेटी का गठन किया गया था। जोरदार ताली चाहूंगा और उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपना दाहिना हाथ ऊंचा बढ़ाए और मेरे साथ ये शपथ पाठ कर। गुरुवार के कार्यक्रम के दौरान नई कमेटी के सदस्यों ने शपथ लिया। काम किया है तो मैं पूरी टीम से यही आशा रखता हूँ कि उससे बढ़कर आने वाले दिनों में आप मेरा साथ देंगे। और इसके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है कि मैं सबको डेली कॉल करूँगा और व्हाट्सअप भी करूँगा कि आओ काम करने के लिए। वो तो वो रूटीन बनी रहेगी जो पहले थी और ज़्यादा होगी और ज़्यादा टफ होगी। तो इसके लिए आप हमको कुछ भी बोल सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग विल गो स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। इस मौके पर सिर्फ आसनसोल ही नहीं बल्कि मारवाड़ी युवा मंच के दूसरे प्रांतों के सदस्यगण भी पहुंचे। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।